हेलो एवरीवन, दिस इज जयेश। वेलकम टू माय चैनल क्रेजी ऑटोमोबाइल। दोस्तों आइए देखते हैं एसडी एडवेंचर के एक्सेसरीज और साथ ही साथ बात करेंगे क्यों ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी बाइक कार स्कूटर के एक्सेसरीज के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल क्रेजी ऑटोमोबाइल को सब्सक्राइब करो, और एक्सेसरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ये है इंस्टा आईडी। आइए देखते हैं वो एक्सेसरीज जो अवेलेबल है एसडी एडवेंचर के लिए। टैंक प्रोटेक्शन गार्ड एंड जेरिकेन होल्डर। दोस्तों ये टैंक को प्रोटेक्ट करता है, एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सॉलिड स्टील मटेरियल से बना है, पाउडर कोटिंग के साथ आता है, 6 मंथ का वारंटी मिलता है पाउडर कोटिंग का, रस्टिंग का और वेल्डिंग इशू का। इसका प्राइस है 2499 रुपीज़। पेडॉक स्टैंड। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक्सेसरीज है, आपको बाइक पार्क करना हो या फिर बाइक में कुछ भी काम करना हो तो आप इसको बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। फिर आपके पास यही बाइक नहीं, कोई और भी बाइक क्यों ना हो, जैसे कि R15, KTM, हायाबुसा, डोमिनार, डुकाटी या फिर कोई भी बाइक हो। और हाँ दोस्तों, गोल्डविंग और हार्ली डेविडसन के बाइक को छोड़ के बाकी कोई भी बाइक में आप इसको यूज कर सकते हो। माइल्ड स्टील से बना है, पाउडर कोटिंग के साथ आता है, ग्लॉसी रेड मैट ब्लैक कलर में। दोनों का प्राइस सेम है, 3799 रुपीज़। टॉप रैक प्लेट। दोस्तों ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है, एल्युमिनियम से बना है, पावर कोटिंग के साथ आता है। इसे लगाने से आप आराम से आपका टॉप बॉक्स फिट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें भी आपको 6 मंथ का वारंटी मिलता है पावर कोटिंग का, रस्टिंग का और वेल्डिंग का। इसका प्राइस है 2199 रुपीज़। मास्टर सिलेंडर किट। दोस्तों ये भी अवेलेबल है, एल्युमिनियम से बना है, पाउडर कोटिंग के साथ आता है, लाइफ लॉन्ग वारंटी मिलता है कोटिंग का, रस्टिंग का और वेल्डिंग का। इसका प्राइस है 999 रुपीज़। रेडिएटर ग्रिल। दोस्तों रेडिएटर ग्रिल ब्लैक कलर और सिल्वर कलर में अवेलेबल है, दोनों एल्युमिनियम से बना है, दोनों में आपको हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसमें आपको लाइफ टाइम का वारंटी मिलता है, रस्टिंग का, वेल्डिंग का, पाउडर कोटिंग का। दोनों का प्राइस सेम है, 2200 रुपीज़। फ्रंट फ्लूइड रिजर्वर कैप। दोस्तों ये भी एल्युमिनियम से बना है, सिल्वर कलर में अवेलेबल है, एसडी का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, लाइफ लॉन्ग वारंटी आता है, रस्टिंग का, वेल्डिंग का। इसका प्राइस है 699 रुपीज़। हेडलाइट ग्रिल। दोस्तों ये प्रोटेक्ट करता है मड से, दो टाइप में अवेलेबल है, ब्लैक कलर जो स्टेनलेस स्टील से बना है जिसका प्राइस है 1599 रुपीज़, सिल्वर कलर जो माइल्ड स्टील से बना है इसका प्राइस है 1199 रुपीज़। सैडल स्टे। दोस्तों सैडल स्टे भी अवेलेबल है ब्लैक कलर में, ये माइल्ड स्टील से बना है, पाउडर कोटिंग के साथ आता है, 6 मंथ का वारंटी मिलता है पाउडर कोटिंग का, रस्टिंग का और वेल्डिंग का। इसका प्राइस है 3000 रुपीज़। बेस प्लेट। दोस्तों बेस प्लेट भी दो टाइप में अवेलेबल है, सिल्वर कलर जो एल्युमिनियम से बना है, ब्लैक कलर जो माइल्ड स्टील से बना है। ये प्रोटेक्ट करता है इंजन को और इंजन फिल्टर को। ब्लैक कलर का प्राइस है 2500 रुपीज़, सिल्वर कलर का प्राइस है 3000 रुपीज़। लेग गार्ड विथ स्लाइडर। दोस्तों ये माइल्ड स्टील से बना है, ब्लैक कलर में आता है पाउडर कोटिंग के साथ, प्रोटेक्ट करता है आपके पैर को और इसमें आपको स्लाइडर भी मिलता है जिसकी वजह से नॉर्मल जो स्क्रैच लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। 6 मंथ का वारंटी आता है पाउडर कोटिंग का, रस्टिंग का और वेल्डिंग का। इसका प्राइस है 3500 रुपीज़। तो ये थे वो एक्सेसरीज जो अवेलेबल है एसडी एडवेंचर के लिए। ये सब कुछ जाना के वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो पसंद आए जरूर लीजिए। तो अब बात करते हैं आपके लिए क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपका बजट हो अंडर 3 लाख
तो आपके पास में कौन से ऑप्शन रहते हैं? हीरो एक्सपल 200, सुजुकी वी स्ट्रॉम 250, KTM एडवेंचर 250, रॉयल एनफील्ड हिमालयन। पर किसी में पावर ज़्यादा है तो किसी में पावर कम है, किसी का प्राइस ज़्यादा है तो किसी का प्राइस कम है। जैसे कि बात करते हीरो एक्सपल की, तो इसमें आपको मिलता है 17 हॉर्स पावर और इसका प्राइस है 1,23,000 रुपीज़। सुजुकी वी स्ट्रॉम की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 26 हॉर्स पावर और इसका प्राइस है 2,11,000 रुपीज़। KTM एडवेंचर 250 की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 29 हॉर्स पावर और इसका प्राइस है 2,42,000 रुपीज़। हिमालयन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 24 हॉर्स पावर और इसका प्राइस है 2,22,000 रुपीज़। पर ये सबको देखते हुए अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको मिलता है 334 सीसी लिक्विड कूल DOHC BS6 पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 30.2 हॉर्स पावर एट 8,000 RPM, 29.9 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 6,500 RPM, 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ और इसका वेट है 188 kg। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm। इसका सीट हाइट है 815 mm। यानी कि अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, टॉल राइडर हो तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको चाहिए एक बेस्ट एडवेंचर बाइक जिसमें पावर मिले, परफॉर्मेंस मिले, प्राइस भी ठीक ठाक रहे, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।